गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग एंड वेलकम टू अन अकेडमी नीट एंड लेट्स गो। आज का सेकेंड लेक्चर इकोसिस्टम्स, सेकेंड लेक्चर ऑफ इकोसिस्टम। वी आर गोइंग टू स्टार्ट विथ फंक्शंस ऑफ इकोसिस्टम, ठीक है। लेक्चर टू डिटेल्स गोइंग फॉर 2022, ठीक है। ये बैच 2022 के लिए चल रहा है अप्रैल से, राइट। अब आपके पास दूसरा क्वेश्चन, कब तक खत्म हो जाएगा वन सिलेबस, तो खत्म हो जाएगा जुलाई में 12th का सिलेबस, समझे मेरी बात। सो 12th विल बी ओवर इन जुलाई। इसके बाद 12वीं पढ़नी होगी मुझसे, तो प्लस पे आना पड़ेगा, ठीक है। और 11th आई विल बी टेकिंग ऑन यूट्यूब नाउ। तो अगस्त से मैं 11th शुरू करूंगी। अगर तुम लोग नहीं मिले मुझको क्लास में, तो पटाई करूंगी तुम्हारे, ठीक। पुराने बच्चे, नए बच्चे, और नए बच्चे और पुराने बच्चे, जितने लोग हैं सबको बता देना कि अगस्त से वी आर स्टार्टिंग 11th ऑन संजीवनी, ठीक है। बीच में थोड़ा टाइम ज़रूर मिलेगा आपको। मेक श्योर इवनिंग वाले सेशंस मैं थोड़ा सा टाइम ज़्यादा दूंगी। इकोसिस्टम ख़त्म हो जाएगा बेटा, एनवायरमेंटल इश्यूज ख़त्म हो जाएगा, तो हम थोड़े शॉर्ट वे में रिवीजन कर लेंगे 11th 12th क्लास का, तो वो टाइम आपको मिल जाएगा। जो बच्चे नए नए अभी हमारे साथ जुड़े थे ना, टू कवर योर बैकलॉग। तो फिर से आपको जुलाई एंड में मैं टाइम दूंगी 12th क्लास कंप्लीट करने का, ठीक है, समझे मेरी बात। तो 12th का सिलेबस जुलाई एंड तक ख़त्म हो रहा है, प्लीज़ बी विद मी। 11th जब मैं अगस्त में शुरू करूँगी, इस टाइम पे 8 PM एवरी डे ऑलमोस्ट, मंडे टू सैटरडे, तो मुझे आप लोग साथ चाहिए हो, ठीक है बेटा, प्रॉमिस। पिंकी स्क्वायर, ओके पिंकी स्क्वायर। चलो, आई एम कोमल यादव एंड आई विल बी टेकिंग योर बॉटनी सेशन। जो बच्चे नहीं जानते, प्लीज़ कन्वे दिस टू यू, आई एम कन्वेइंग दिस टू यू। एंड हमारे सेशन प्लस पे होते हैं बेटा 5 PM, ओके 5 बजे हमारे सेशंस होंगे प्लस पे। शाबाश, जल्दी से कर दो शेयर सबके साथ, ओके नाइस। कहाँ पे सारे चीज़ें अपडेट हो जाती हैं, PDF हो जाते हैं बेटा, यहाँ पे अपडेट। दिस इज़ ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल, कोई भी अपडेट आता है यहाँ पे आपको ज़रूर मिल जाएगा। जो भी सेशन मैं जहाँ पर भी ले रही हूँ, चाहे पेड है चाहे फ्री सेशन है, सब कुछ वहाँ पे अपडेटेड होगा। अब यहाँ पे जल्दी से लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि कल से टुमारो 8 AM अनूप सर की पहली क्लास होगी, उसके बाद मेरी क्लास है सुबह 9 बजे। वी आर गोइंग टू स्टार्ट रिविजन, क्रैश कोर्स शुरू हो रहा है आपका, क्रैश कोर्स, फास्ट ट्रैक रिविजन क्रैश कोर्स, ठीक है। एक नए तरीके से पढ़ाना चाह रही हूँ मैं उसमें। आई वॉन्ट टू गेट योर 1 पेज नोट्स डन, समझे मेरी बात। तो आप और मैं, चाहे टाइम लग जाए कोई प्रॉब्लम नहीं है, थोड़ा ऊपर नीचे हो जाएगा स्केड्यूल, मैंने टेलीग्राम ग्रुप में शेयर किया है अपना स्केड्यूल, तो डोंट फॉरगेट टू यू नो गो फॉर इट। वो चीज़ कम्युनिटी पोस्ट में भी आ जाएगी एक दो दिन में, थोड़ा सा पेशेंस रखो, इन प्रोसेस है ना चीज़ें, तो वो चीज़ हो जाएगा। अब मेरे को आपसे क्या चाहिए, ऑल आई वॉन्ट फ्रॉम यू गाइज इज कि बस साथ रहना और लाइव रहना। लाइव में क्या होगा ना, हम साथ के साथ, आई विल बी ड्रॉइंग कम्प्लीटली खाली पेज, कोई डायग्राम नहीं, कोई जिफ नहीं, क्योंकि बच्चे रिविजन करना चाहते हैं। तो 2021 वाले जो बच्चे हैं या 2022 में जो पढ़ रहे हैं बच्चे, उनके लिए ये बहुत हेल्पफुल हो जाएगा कि हम एक ही शीट पे पूरा का पूरा कंटेंट लिखेंगे, ठीक है। तो मेरे को शायद बोर्ड पे चेंज करना पड़ जाए, क्योंकि मेरे पास बोर्ड थोड़ा अनलिमिटेड नहीं है ना बेटा, छोटा है, और मैं छोटा लिखूंगी तो तुमको दिखाई नहीं देगा। तो आराम से बनाएंगे, लेकिन एक पेज में नोट्स आएंगे, ठीक है, ताकि लास्ट 10 दिन में तुम्हारे पास बस जितने चैप्टर हैं उतने पन्ने हों और सब कुछ इधर हो, इधर, ठीक, ओके। आई एम गोइंग टू ट्राई माई बेस्ट टू मेक दैट पर्टिक्युलर कोर्स वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। और अभी के लिए शुरू करते हैं हम इकोसिस्टम पार्ट टू। कल जब हमने बात करी थी, तो वी स्टॉप्ड एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट, जिस पे मैंने आपको फंक्शंस में बोला था कि आप इसको याद करने के लिए PDEN भी लिख सकते हो, ठीक है, PDEN भी लिख सकते हो, प्रोडक्टिविटी, डिकम्पोजिशन, एनर्जी फ्लो एंड न्यूट्रिएंट रिसाइकलिंग। आज हमारी कोशिश रहेगी कि हम ये 3 पॉइंट्स पहले वाले कंप्लीट कर लें, फर्स्ट 3 पॉइंट्स वी आर ट्राइंग टू कंप्लीट, ओके, हाँ जी। नाउ पॉइंट नंबर 1, प्रोडक्टिविटी, ये क्या होता है, दिस इज न्यू बायोमास जनरेशन। प्रोडक्टिविटी इज जनरेशन ऑफ बायोमास पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, ठीक है। एक एरिया में कितना नया लिविंग मैटर बना, कितनी ड्यूरेशन में, ठीक। सो प्रोडक्टिविटी विल बी रेट ऑफ बायोमास प्रोडक्शन, ठीक है, जनरेशन ऑफ बायोमास, या रेट ऑफ, और ज्यादा बेटर हो जाएगा, रेट
ऑफ जेनरेशन ऑफ बायोमास। ठीक है, कौन बनाता है नया जेनेटिक नया लिविंग मटेरियल? प्लांट्स। तो मेजर इसलिए हम उनको बोलते हैं प्रोड्यूसर्स, बिकॉज वो प्रोडक्टिविटी किसी एक पर्टिकुलर एरिया की इंक्रीज करते हैं। ठीक, किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा आपका प्रोडक्टिविटी और कहाँ पर आपको ज़्यादातर प्रोडक्टिविटी मिलती है? ऐसे कौन से एरियाज हैं जहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा लिविंग मैटर इकट्ठा होता हुआ दिखाई देता है? तो दोज आर नोन एज मोस्ट प्रोडक्टिव इकोसिस्टम्स। मोस्ट प्रोडक्टिव इकोसिस्टम्स में यू आर गोइंग टू फाइंड, एग्जाम्पल बोलो, तुम जानते हो एग्जाम्पल सारे। पॉइंट नंबर वन, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, टेरेस्ट्रियल का हो गया, लैंड का इकोसिस्टम हो गया। ठीक है, दूसरा कोरल रीफ्स, एक्वेटिक में, क्योंकि सबसे ज़्यादा डाइवर्सिटी, सबसे ज़्यादा ऑर्गेनिजम्स, और ज़्यादा ऑर्गेनिजम्स वहीं रह पाएंगे जहाँ पे सबसे नीचे वाला लेयर, दैट इज प्रोड्यूसर्स, आर हायर इन नंबर। तो वो आ गई बात। तीसरा आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, या आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ या इकोसिस्टम बोल लो आप, इसमें आ जाएगा शुगर केन फील्ड्स। ठीक है, शुगर केन के फील्ड्स आ गए हमारे पास। फील्ड की स्पेलिंग गलत लग रही है भाई, हाँ, शुगर केन फील्ड्स हमारे पास आ गए, एंड दोज आर वेरी वेरी हाईली प्रोडक्टिव। क्यों? क्योंकि वहां पर ज्यादा प्रोड्यूसर्स आ रहे हैं, कंडीशन थोड़ी अच्छी है तो आराम से ग्रोथ हो पा रही है, और वहीं पे ज्यादा वेजिटेशन इकट्ठा होता है तो ज्यादा एनिमल्स भी उस पर फीड कर पाते हैं। तो इससे आपको आइडिया लग सकता है कि लीस्ट प्रोडक्टिव कौन से होंगे। ठीक, तो अगर मैं आपको लीस्ट प्रोडक्टिव पूछूं, लीस्ट प्रोडक्टिविटी वाला इकोसिस्टम कौन सा होगा? कमेंट सेक्शन फटाफट से आ रही हूं मैं। लीस्ट प्रोडक्टिविटी वाला इकोसिस्टम कौन सा होगा? क्विकली आंसर। गुड, डेजर्ट है ना, डेजर्ट। और दूसरा डीप सी या ओशंस, बहुत ज्यादा डीप ओशंस, लाइट ही नहीं पहुंच रही। जहां लाइट नहीं पहुंच रही वहां प्रोड्यूसर्स नहीं है ज्यादा, जहां प्रोड्यूसर नहीं है ज्यादा उस पर फूड चेन कैसे सर्वाइव करेगा? तो डाइवर्सिटी खुद ब खुद कम हो जाती है, लिविंग ऑर्गेनिज्म खुद ब खुद कम हो जाते हैं। सो गेटिंग माई पॉइंट, हाउ वन थिंग इज रिलेटेड टू अनदर, समझे बात बेटा? मैम शुगर केन कौन सा क्रॉप है? अरे गन्ना, गन्ने को बोलते हैं शुगर केन। ठीक है, बढ़िया, बेंथिक रीजन, गुड प्रियांशी, बेंथिक रीजन। अब आती है हमारे पास दो तरीके की प्रोडक्टिविटी बेटा। सबसे पहली प्रोडक्टिविटी, ठीक, वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। ठीक है, प्राइमरी प्रोडक्टिविटी इज कि नया जनरेशन ऑफ बायोमास प्लांट्स ने कितना किया है। ठीक है, रेट ऑफ जनरेशन ऑफ बायोमास बाय प्रोड्यूसर्स इज प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। रेट ऑफ बायोमास प्रोडक्शन बाय प्लांट्स, ठीक है, दैट इज नोन एज प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, राइट? तो क्या हो गया, जनरेशन ऑफ बायोमास। अब मैं बार बार बायोमास बोल रही हूँ, लिविंग मास, इसका मतलब मैं इसको वे भी तो कर रही हूँ। किस टर्म्स में वे होगा? वे करते टाइम इसके अंदर हमारे पास आता है बेटा दो तरीके के वेट, वन इज ड्राई वेट और दूसरा होता है फ्रेश वेट। अब फ्रेश वेट में ना पानी इंक्लूडेड है, जैसे आप फ्रेशली कोई एक पत्ता तोड़ो और उसको वे कर लो, ठीक है, फ्रेशली पत्ता तोड़ो और उसको वे कर लो आप, वो होगा फ्रेश वेट, क्योंकि उसमें पानी है, आप उसको कंप्लीटली बर्न करते हो ऐश, ठीक है, ऑलमोस्ट एकदम सूप। तो जो आपके पास बचता है दैट इज योर ड्राई वेट। सो यू गेट एन आइडिया बाय गेटिंग अ ड्राई वेट। अब दिमाग में ऐसे आता है, मैम पेड़ जला जला के देखेंगे क्या? अब हम, मैं पेड़ जला के देखूंगी क्या बार बार?
कि देखो इतना ड्राई वेट आ रहा है, इसको एकदम जुक कर दिया, इसमें कोई पानी नहीं आ, नहीं, हम इनडायरेक्टली निकालते हैं। जैसे आपने एक पत्ता तोड़ा, ठीक है, एक या दो पत्ते तोड़ दिया आपने, अब वो दो पत्ते जब आपने तोड़े उनका आपने वेट ले लिया, ऑलमोस्ट टेंटेटिव आपको पता चल गया, आपने देखा कि एक डंडी पे इतने पत्ते और इतनी डंडियाँ, तो पूरे पेड़ का बायोमास और डंडी का बायोमास मिला के टोटल कितना हो जाएगा। तो यू गेट एन आइडिया इफ दिस इज द वेट और बायोमास ऑफ वन ट्री, यहाँ पे कितने ट्रीज हैं, तो आप ऐसे 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 निकालते हो इसको, ठीक है। हाउ विल यू फाइंड द बायोमास, कौन से वाले में वे करोगे, फ्रेश वेट की ड्राई वेट? ड्राई वेट क्यों? क्योंकि पानी नहीं है। मैम पानी से क्या दुश्मनी है आपको? पानी सीजनल वेरिएशन शो कर सकता है, ठीक है। आपने इन जनरल अपने पास ही देखा होगा, कभी अगर आप कोस्टल एरियाज में गए हो, ह्यूमिडिटी वाले एरिया में गए हो, तो आपकी स्किन अचानक से ऐसे फूली फूली फील होने लगती है, ह्यूमिडिटी इन द एयर है ना, ह्यूमिड क्लाइमेट। तो ऐसा ही कुछ आपने इम्बिबिशन पढ़ा है 11th क्लास में, इम्बिबिशन से क्या होता है, आपका लकड़ी फूल जाती है ना, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर से, ह्यूमिडिटी में आपके लकड़ी के गेट फूल जाते हैं बारिश के मौसम में। तो ये सारी चीज़ें क्या हो रही है, दिस इज इंक्रीजिंग, पानी ज़्यादा एब्जॉर्ब किया हुआ है उसने, जितना नॉर्मली होता है उससे ज़्यादा पानी एब्जॉर्ब है। पॉइंट क्या है, ये तो आर्टिफिशियल हुआ ना वेट, इतना ज़्यादा कुछ है नहीं। तो हम करते हैं किसकी गिनती, ड्राई वेट। सो बायोमास इज मेजर्ड इन ड्राई वेट। तो प्राइमरी प्रोडक्टिविटी को भी हम कैसे मेजर करेंगे, ड्राई वेट में, ठीक है। सो प्रोडक्टिविटी मेजर्ड इन ड्राई वेट, और ज्यादातर इट विल बी ग्राम्स पर मीटर स्क्वायर पर ईयर, ठीक है। ग्राम के लिए सिर्फ जी यूज कर रही हूं बेटा, दिस एम स्टैंड्स फॉर मीटर स्क्वायर, ठीक है, ग्राम पर मीटर स्क्वायर पर एरिया, क्योंकि ग्राम पर स्क्वायर क्या, ग्राम पर मीटर स्क्वायर, ग्राम स्क्वायर कुछ वैल्यू नहीं होती है, ठीक है, ग्राम स्क्वायर कुछ नहीं होता है, तो ग्राम पर मीटर स्क्वायर पर एरिया, ठीक है। सो दिस इज योर बायोमास जनरेशन, किस में आ जाएगा, ड्राई वेट में, या फिर आप ले सकते हो एनर्जी के फॉर्म में, यू कैन ऑल्सो कैलकुलेटेड विद किलो कैलोरीज पर मीटर स्क्वायर पर एरिया, किलो कैलोरीज पर मीटर स्क्वायर पर एरिया, दिखा, ठीक है, राइट, लिख लिया, चलें आगे। अरे भाई हिंदी लिख लिया करो, इतना दिल पे मत लिया करो अंग्रेजी को तुम लोग, हैं? चलो आई एम हैप्पी दैट एट लीस्ट यू आर ट्राइंग टू लर्न, गुड, हाँ नो प्रॉब्लम। चलो अब देखो प्राइमरी प्रोडक्टिविटी क्या बताया हमने, प्लांट्स कितना जनरेट कर रहे हैं, ठीक। अब प्लांट्स में प्राइमरी प्रोडक्टिविटी इज कंट्रोल्ड बाय, या इन जनरल अगर आप प्रोडक्टिविटी की बात करते हो तो बहुत सारे फैक्टर्स अफेक्टिंग होते हैं। कोई भी काम हो रहा है उस पर एनवायरमेंट का इफेक्ट तो आना ही है ना। तो वॉट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग प्राइमरी प्रोडक्टिविटी या प्रोडक्टिविटी इन जनरल, जनरली आपको क्या इफेक्ट आएगा, आगे जगह है, एक बार यहाँ पे बेटा ऐड कर रही हूँ एक शीट, ठीक है। फैक्टर्स अफेक्टिंग प्रोडक्टिविटी, और एम्फसाइज करने के लिए प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, फैक्टर्स अफेक्टिंग प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। और फैक्टर्स क्या होते हैं, टेम्परेचर, लाइट, न्यूट्रेंट, वही हमने जो हमेशा से पढ़ते आ रहे हैं। एक्सटर्नल फैक्टर में क्या ही हो जाएगा, लाइट, टेम्परेचर, पानी, हवा, न्यूट्रेंट, इजी, इट्स वेरी इजी, इट्स वेरी लॉजिकल। मैं लिखवा क्यों रही हूँ, मैं हम पढ़ लेंगे ना उनसे अडे, वाई आर यू वेस्टिंग अडे, तो पढ़ लो एनसीईआरटी। तो एनसीईआरटी की ही चीज़ें लिखवा रही हूँ तुमको, बट पॉइंट्स में लिखवा रही हूँ ताकि याद हो जाए। और जब आपके पास बोर्ड एग्जाम आए जिसमें तुम बिना मतलब नीट की प्रिपरेशन को बदनाम करते हो कि हाय राम नीट के लिए प्रिपेयर कर रही है तो बोर्ड में फेल हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होगा, ठीक है। तो ये जो लिखवाने का काम है ये मैं इसलिए करा रही हूँ कि बाय चांस तुम्हारा अब प्री बोर्ड ढंग से दे देना इस बार वाले बच्चों, ये 2022-23 वाले
ये अपना पेपर वेपर ढंग से दो स्कूल के, ठीक है जैसे भी देने वैसे दो, लेकिन नंबर अच्छे ले आना, क्योंकि अगर इस बार वाले जैसा पोपट हुआ तो गए बेटा तुम, ठीक है। सो गिव योर प्री बोर्ड्स एंड स्कूल एग्जाम्स ऑल्सो वेरी सीरियसली दिस टाइम, तो थोड़ा स्कूल को इम्पोर्टेंस देना है। एंड में पता चला एग्रीगेट निकाल ली, एवरेज ही नहीं पहुँच पाया वहाँ, बोले प्री बोर्ड तो स्किप मार देते हैं मैम, हम कहाँ जाएंगे, वो मत करो, ठीक है। ओके, प्राइमरी प्रोडक्टिविटी किस पे डिपेंड करेगी? अब पेड़ की बात ही कर रहे हैं हम ज़्यादातर, वी आर टॉकिंग अबाउट द प्लांट। ऑन एन एवरेज हमने क्या देखा है कि हमारे पास एनुअली 170 बिलियन टन्स का प्रोडक्टिविटी जनरेशन होता है। बायोमास ही चल रहा था तो बायोमास तो हमारे पास वेट आएगा मस्त भारी, ठीक है। ओके, नाउ हमारे पास ड्राई वेट हमारे पास आ जाता है नियरली 170 बिलियन टन्स। और ये क्या है ना बेटा, किस चीज़ की वैल्यू है ये? दिस इज नोन एज NPP, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। वो क्या होता है मैं आ रही हूँ उस पर, वी गोइंग टू डिस्कस इट, ठीक है। ओ ब्लर, ब्लर की स्पेलिंग क्या कर रहे हो? स्क्रीन ब्लर आ रहा है, लैग हो रहा है क्या? ओ बच्चे देखो तो एक बारी, कोई तो बोला मुझे, एक बार जल्दी बता देना प्लीज। इज इट क्लियर और इज देयर एनी ब्लरनेस देयर? ओके ठीक है, ओके गॉट इट, थैंक यू थैंक यू। ओके, तो हमारे पास एनुअली कितना आ गया? 170 बिलियन टन नियरली हमारे पास है, ठीक है। 170 बिलियन टन में से, इसमें से हम टेरेस्ट्रियल और एक्वेटिक एनुअली नहीं है, शायद टोटल है, हाँ टोटल है बेटा, टोटल है 170 बिलियन टन का टोटल बायो आपके पास मास है, ठीक है। जिसमें हमने देखा कि हमारे पास टेरेस्ट्रियल में नियरली 115 बिलियन टन है और एक्वेटिक में हमारे पास कितना बच गया? 55, सिर्फ 55 बिलियन टन है, जबकि हमारे पास ओशंस वाला एरिया ज्यादा है। अर्थ हैज मोर वाटर पार्ट देन लैंड मास, स्टिल लैंड पे बायोमास ज्यादा है, बहुत ज्यादा है, ऑलमोस्ट डबल द अमाउंट, हाँ कंपेयर टू एक्वेटिक। तो कुछ तो चीज़ है जो लिमिट हो रही है वहाँ पे। फैक्टर्स की बात करें कि बायोमास जेनरेशन, नया बायोमास मटेरियल, नया ऑर्गेनिक मैटर कौन बनाएगा? प्लांट्स बनाएंगे, तो सबसे पहला फैक्टर तो प्लांट्स खुद आ जाएंगे, है ना। फोटोसिंथेटिक कैपेसिटी ऑफ प्लांट्स, फोटोसिंथेटिक प्रॉपर्टी और रेट ऑफ प्लांट्स, सबसे पहला पॉइंट तो यही आ जाता है कि इसके क्लोरोफिल में कितना दम है, ठीक है, कितने लीव्स है, व्हाट इज द फोटोसिंथेटिक रेट ऑफ द प्लांट, सबसे बड़ा फैक्टर तो यही हो गया। दूसरा फैक्टर क्या आता है? आपको नया ऑर्गेनिक मैटर बनाना है, आपको फोटोसिंथेसिस कराना है, तो फोटोसिंथेसिस के लिए सेकेंड फैक्टर लाइट, सोलर रेडिएशन कितना है अवेलेबल, ठीक है। थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट इज मिनरल न्यूट्रिएंट्स, मिनरल न्यूट्रिएंट्स। टेम्परेचर भी रोल प्ले कर सकता है लेकिन काफी कम, क्यों? या आप कह सकते हो इनडायरेक्ट, टेम्परेचर विल हैव एन इनडायरेक्ट इफेक्ट, सीधा इफेक्ट नहीं लाएगा, घुमा के आएगा इफेक्ट। क्या घुमा के आएगा इफेक्ट? एंजाइम पे एक्टिविटी पे इफेक्ट आता है, एंजाइम एक्टिविटी विल डिफर, ये गड़बड़ हो जाएगा, टेम्परेचर की वजह से गड़बड़ हो जाएगा। पॉइंट इज द मेन टू पॉइंट, प्लांट की कैपेसिटी तो चलो फिर भी एक इंटरनल फैक्टर हो गया, एक्सटर्नल फैक्टर में सबसे ऊपर आ जाता है आपके पास लाइट और न्यूट्रिएंट्स। और लाइट और न्यूट्रिएंट्स हमारे पास टेरेस्ट्रियल में ज्यादा होते हैं, है ना, लैंड पे ज्यादा है, न्यूट्रिएंट में भी लिमिट हो गया ये, राइट। और दूसरे एंड पे सोलर रेडिएशन भी नीचे तक नहीं जा रही है, सरफेस सरफेस पे है बस,
ज्यादा डीप इनटू द ओशन तो हमारे पास वैसे लाइट नहीं जा रही है, तो उतना ज्यादा बायोमास प्रोडक्शन नहीं हो पा रहा जितना कि नॉर्मली होता ऑन टेरेस्ट्रियल। तो अगर कोरल रीफ्स और अगर इसमें बात कर ली जाए तो एकदम ट्रैप करके बायोमास जनरेशन में कौन आ जाता है, आपके पास ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट हाई लेवल पे आ जाएगा। ठीक है, क्लियर बेटा? हाँ जी, यहां तक समझ में आया? इसको थोड़ा सा लिख लेना, ये दूसरे वाले शीट पे है तो प्लीज राइट दिस डाउन प्रॉपरली। ठीक, कि इसमें रीजंस फॉर लो प्रोडक्टिविटी इट इज गोइंग टू बी लाइट लिमिटिंग है एंड न्यूट्रिएंट, और न्यूट्रिएंट के अंदर भी सबसे ज्यादा कौन बेटा, नाइट्रोजन, वेरी लो नाइट्रोजन इन एक्वेटिक कंडीशंस, तो नाइट्रोजन बहुत लिमिटिंग हो जाता है। ठीक है, नाइट्रोजन काफी लिमिटिंग हो जाता है बेटा। ठीक है, क्लियर यहां तक? चलूं आगे। हाँ जी, चलो आगे नहीं, थोड़ा पीछे जाएंगे, आगे नहीं थोड़ा सा पीछे जाएंगे। तो डन, इसको प्लीज लिख लेना, प्लीज राइट दिस डाउन, ये जाएगा उड़ेगा, नहीं मैंने अलग से शीट ऐड किया था। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो, नहीं तो बाद में लिख लेना। चलो अब चलते हैं पीछे थोड़ा, जहां मैं एनपीपी बता रही हूँ आपको। एनपीपी क्या होता है? प्रोडक्टिविटी, प्राइमरी प्रोडक्टिविटी इज डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज, ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी एंड नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी इज टोटल बायोमास जेनरेशन, इसमें आपके प्लांट ने कितनी सोलर रेडिएशन को एब्जॉर्ब करके बायोमास बनाया, टोटल ग्रॉस पूरा। ठीक है, अब उस ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी में से अगर मैं प्लांट का अपना रेस्पिरेटरी लॉस खत्म कर दूं, तो दैट वुड बी नोन एज एनपीपी, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। आपने सुना होगा बहुत सारी मूवीज का आता है 2000 करोड़ कमा लिया, 1000 करोड़ कमा लिए, 500 करोड़ क्लब, नेट ग्रॉस। अब वो नेट और ग्रॉस में क्या डिफरेंस है? ग्रॉस इज कि जो पैसा उन्होंने बनाते टाइम लगाया पिक्चर में वो नहीं हटाए हैं, वो सिर्फ ये देखे कि इतना पैसा आया है हमारे पास, है 1000 करोड़ आ गया, ओह वाह वाह वाह, 1000 करोड़ का मुनाफा नहीं, 1000 करोड़ तो आया टोटल ग्रॉस। अब इसमें से जितना पिक्चर बनाने में लगाया गया, जितना हीरो हीरोइन डायरेक्टर सिंगर वगैरह को दिया गया, सबको पैसा जो दिया गया था, वो सारा अगर इन्वेस्टमेंट हटा दूं तो जो बचा है वो असली मुनाफा है, दैट इज नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी हियर। ठीक है, नेट कलेक्शन पिक्चर का। ऐसे ही एक एग्जाम्पल लो, जैसे मम्मी ने बनाया घर में खाना, मम्मी ने बनाया 10 प्लेट खाना, ठीक है, तो टोटल खाना बना 10 प्लेट ग्रॉस, उसमें से 2 प्लेट खाना मम्मी खा गई, तो नेट कितना बचा आपके पास? 8। रेस्पिरेटरी लॉसेस इज कि मैंने जब बायोमास बनाया है, जब ऑर्गेनिक मैटर बनाया है, तो कुछ खुद भी तो पेड़ यूज करेगा ना रेस्पिरेशन के लिए, अपनी एनर्जी के लिए, अपनी रिक्वायरमेंट्स के लिए, वो हटा दोगे तो जो बचा वो एनपीपी होता है, एंड एनपीपी इज व्हाट इज अवेलेबल टू द नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल। जब आप पत्ते खाते हो, जब आप कैरेट खाते हो, जब आप गाजर खीरा मूली ये सब खाते हो, तो वो पेड़ का बनाया हुआ बायोमास है जो अब आपके लिए अवेलेबल है, नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल के लिए अवेलेबल है, प्लांट अपना खाना पीना कर चुका है। ठीक है, सो दैट इज नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, अवेलेबल टू नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल। ठीक बच्चे, क्लियर यहां तक? पास्ता कौन बना रहा है? बेटा देर है दुरुस्त है,
अभी अगर 2023 के लिए तैयारी करना शुरू करो तो बहुत टाइम से हो। ऐसे भी बच्चे आएंगे अभी जो अभी 2021 के लिए तैयारी करना शुरू करेंगे, समझ रहे हो, 2 महीना पहले। हाँ, कर लोगे बायो तो कर जाओगे, बायो का कर जाओगे, देन डोंट गेट ओवर एम्बिशियस। यू कैन क्लियर नीट, यस, इन 2 मंथ्स यू कैन क्लियर नीट, यस। विल यू गेट एम्स दिल्ली? नो। आज तक किताब भी नहीं खोली है तो इतने बड़े सपने नहीं दिखते हैं। 3 साल से लगा हुआ है कोई प्रिपरेशन में, 2 साल से लगा हुआ है कोई प्रिपरेशन में। नीट क्रैक करना नॉट एन इशू, 2 महीने में हो जाएगा, ठीक है। स्कोर भी ठीक ठाक आ जाएगा। अगर फिजिक्स केमिस्ट्री स्कूल लेवल पे भी पढ़ा है, थोड़ा बहुत आइडिया है, बायोलॉजी पढ़ा हुआ है, 2 महीने में थोड़ा डिटेल में जाके रिवाइज करेंगे, समझ में आ जाएंगी चीज़ें, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, उससे आइडिया लग जाएगा किस तरीके क्वेश्चन आते हैं, इट विल बी डन, है ना। तो सिलेक्शन यस, रैंक नो। तो कभी भी आपको कोई बोलेगा 2 महीने में प्रिपेयर कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो, बहुत वीडियोस मिलेंगे। कैन यू प्रिपेयर इन 2 मंथ्स? यस। कैन यू प्रिपेयर इन 15 मंथ्स? यस। कैन यू क्रैक नीट? यस। कोई ये नहीं बोलेगा कि 2 महीने में प्रिपेयर करके एम्स दिल्ली का सिलेक्शन पाइए। धोखा मेरे दोस्त, जाग जाओ, ध्यान से देखो इस वैशी दरिंदे को। चलो चले आगे। सो 2 टाइप्स ऑफ प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, क्लियर? ओकी डोकी, मूविंग अहेड। डीकम्पोजिशन, अब इसको थोड़ी देर इस बॉक्स को देख के इरिटेट होते रहो, कोई प्रॉब्लम नहीं, मेरे जानबूझ के लगाया मैंने वो जिप। डीकम्पोजिशन, ब्रेक डाउन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, ब्रेक डाउन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर। अच्छा, एक दो चीजें चाहे तो और लिख सकते हो, वैसे एनसीईआरटी में इतना डिटेल में नहीं है, बट कहीं यहां वहां जाओगे तो मिल जाएंगी चीजें, ठीक है। यू माइंड फाइंड अ लॉट ऑफ रैंडम क्वेश्चंस ऑन इट, या कुछ तुम लोग रुकते तो हो नहीं, इधर उधर की बुक सॉल्व करते हो, फिर बोलते हैं टीचर ने पढ़ाया नहीं है, तो मैं उसके लिए बता देती हूँ, ठीक है। प्रोडक्टिविटी में कुछ एक दो पॉइंट्स आप और ऐड करना चाहो तो एक तरफ नोट लिख लेना और फिर ऐड कर लेना, ठीक है, नोट्स करके ऐड कर लो इसको और इसमें लिख लेना एक्स्ट्रा। ये किसके लिए बता रही हूँ? प्रोडक्टिविटी की, और थोड़ा सा और कहानी बता देती हूँ, प्रोडक्टिविटी की ही थोड़ी सी और एक्स्ट्रा कहानी बता देती हूँ। लिख लो नोट्स में, काम आ जाएगा, कहीं कोई क्वेश्चन में फंसोगे तो समझ में आ जाएगा, बाकी तो इतना कोई बहुत बिग डील नहीं है, ठीक है। इट्स अ वेरी बेसिक पॉइंट, और इतना कोई बहुत फ्रेंच भी नहीं है या रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत बेसिक पॉइंट है। प्राइमरी प्रोडक्टिविटी तो समझ में आया तुमको, प्राइमरी प्रोडक्टिविटी इज पेड़ कितनी सोलर लाइट कैप्चर करके उसको खाने में बदल देता है, ठीक है, ऑर्गेनिक मैटर में बदल देता है। लेकिन देर इज ऑल्सो सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी, सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी, न्यू बायोमास जनरेशन, न्यू बायोमास जनरेशन बाय कंज्यूमर्स। बेटा तो जो नया बायोमास या उसको कन्वर्ट करके जो बायोमास प्रोडक्शन आपके कंज्यूमर्स कर रहे हैं वो सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी में आता है। इसको हम ग्रॉस नेट में नहीं कन्वर्ट कर रहे, दिस इज जस्ट जनरली नोन एज सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी, ठीक। राइट, करेक्ट, एब्सोल्युटली राइट, ठीक है। सो सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी ब्रॉडली क्या हो गया? प्राइमरी प्रोडक्टिविटी जो आपका इसने बनाया, प्रोड्यूसर ने बनाया, फिर आया आपके पास सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी, अब आ जाएगा आपके पास एक स्टेप और ऊपर चले जाओ, पूरा कम्युनिटी कितना बायोमास बना रहा है, पेड़ इतना बना रहे, कंज्यूमर्स इतना बना रहे, तो पूरा कम्युनिटी कितना बना रहा है, टोटल बायोमास जेनरेटेड बाय अ कम्युनिटी इन एन एरिया पर
यूनिट टाइम, वही ग्राम्स पर मीटर स्क्वायर पर ईयर, सिंपल इजी है। तो इसको भी लिख लेना कि तुम लोगों को आते हो क्लास में, एक दो बच्चे कुछ पूछ लेते हैं इसलिए मैं बता देती हूँ, कुछ एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा ऐसे मिलता रहेगा। कमेंट्स में देख लिया मैंने इसलिए मैंने एक्स्ट्रा बता दिया थोड़ा, ठीक है ओके। अब आती है हमारे पास एक और बात कि क्या एफिशिएंसी से काम करता है आपका इकोसिस्टम, ठीक है, व्हाट इज द एनर्जी एफिशिएंसी ऑफ द होल इकोसिस्टम। प्रोडक्टिविटी सबसे बड़ी चीज़ है बेटा, आप ये सोचो खाना कितना बन रहा है, ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंस है, ब्रेकडाउन वगैरह उस पर डिपेंड करेगा। तो किस रेट से खाना बनाया जा रहा है इस पर तो डेफिनेटली काम करना पड़ेगा ना। व्हाट इज द एफिशिएंसी ऑफ द होल इकोसिस्टम वर्किंग फॉर फॉर्मेशन ऑफ दिस बायोमास, ठीक है ठीक है। चलो अब जब पूरे एफिशिएंसी की बात करते हो तो आपके पास कितना बायोमास टोटल जनरेशन हो पाता है, तो जितना जनरेशन हो रहा है टोटल बायोमास का उसके पिछले ट्रॉफिक लेवल से कितना मिला इनटू 100। व्हाट इज द इकोलॉजिकल एफिशिएंसी, तो ट्रॉफिक लेवल बाय ट्रॉफिक लेवल आल्सो वी कैन फाइंड इट आउट, ठीक। नेक्स्ट पॉइंट बता दूं, इकोलॉजिकल एफिशिएंसी इकोलॉजिकल एफिशिएंसी हाउ मच बायोमास इज जनरेटेड एट पर्टिकुलर एनर्जी कन्वर्टेड इनटू बायोमास एट अ ट्रॉफिक लेवल, एनर्जी कन्वर्टेड टू बायोमास एट अ ट्रॉफिक लेवल अपॉन टोटल एनर्जी अवेलेबल एट द लोअर ट्रॉफिक लेवल, इनटू 100। अब देखो ये कैसे काम किया, आपके पास जो कंज्यूमर था है ना, अब कंज्यूमर सोलर लाइट से तो कन्वर्ट कर नहीं रहा, कोई एनर्जी नहीं बना नहीं रहा, कोई बायोमास नया बना नहीं रहा, लेकिन वो क्या करता है, वो हर्बीवोर है तो घास वास खाएगा, उसके पास से जो एनर्जी इसके पास गई उस पर डिपेंड करेगा। अब आप खुद सोच के देखो, एक फॉरेस्ट के अंदर, प्रॉपर अच्छे फॉरेस्ट के अंदर आपको अच्छे से घास वास मिल रही है, ग्रासलैंड समझ लो, जीब्रा है, मस्त खा रहा है, खाता जा रहा है, तो वो थोड़ा ज्यादा सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी शो कर सकता है एज कम्पेयर टू किसी डेजर्ट में वो कैंगरू रैट। डू यू रिमेंबर दैट कैंगरू रैट, कभी कभार कहीं कुछ सीड्स मिल रहे हैं, कुछ फ्लैश मिल रहा है खाने को, ज्यादा कुछ नहीं मिल रहा है उसको। तो कितना बायोमास जनरेशन एक ट्रॉफिक लेवल पे होता है, दैट डिपेंड्स कि उसको पिछले वाले से कितना एनर्जी प्रोवाइड हो जाता है इनटू 100, ठीक है। देयर इज आल्सो एन एनर्जी ट्रांसफर लॉ ऑफ 10%, उसको हम एनर्जी लॉ में देखेंगे, लेकिन 10% भी तो कितने का है ना। अब 10 रुपए का 10% देखोगे तो कितना आएगा, ठीक है, 10 रुपीज। 100 रुपीज का अगर आप 10% देखोगे, 10, ठीक है, आप 10 लाख का 10% देखोगे तो 10,000। तो 10% अवेलेबल एनर्जी, बट टोटल एनर्जी पे भी तो डिपेंड करता है ना, 10% कितना होता है। सो 10% एनर्जी ट्रांसफर होता है, दैट इज ट्रू, दैट इज ओके, बट दैट 10% इज देयर, कोई आपको वैल्यू नहीं दे रहा, आपको परसेंटेज बताई जा रही है, ठीक है, मेरी बात समझ में आई। सो डेफिनेटली डिपेंड्स कि सबसे पहले वाला ट्रॉफिक लेवल, दैट इज प्रोड्यूसर धांसू होंगे तो पूरा इकोसिस्टम धांसू होगा, प्रोड्यूसर धांसू नहीं है, इकोसिस्टम वेरी एवरेज, पेड़ काट दो तुम ऊपर ही हो, तुम भी गए, थोड़ा देर में टाटा बाय बाय, ओ होने ही वाला है, चिंता नहीं, डोंट वरी दैट मच, नीड वीड नहीं बिकले चिल ले लो, जिंदगी बहुत ज़्यादा है नहीं, कुछ खास बची नहीं, किसी के मम्मी पापा देख रहे हैं ज़्यादा, सॉरी अंकल सॉरी आंटी,
थोड़ा अटेंशन तुम्हारा कम करते हैं, ठीक है? नीट नहीं क्लियर हुआ, नो प्रॉब्लम, गिव अनदर अटेम्प्ट, लाइफ इज वेरी शॉर्ट लिटरली. चलें आगे. नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी और एफिशिएंसी की बात करते हैं. अगर नेट कितना बन रहा है खाना हमारे पास, नेट एफिशिएंसी परसेंटेज में आएगी बेटा हमेशा, ठीक है? एफिशिएंसी में आपका आएगा एनपीपी अपॉन जीपीपी इनटू 100. ये देखो और लिख लो बस. नेट प्रोडक्टिविटी एफिशिएंसी मतलब लगभग पूरा कितना एफिशिएंटली काम चल रहा है, ठीक है? नेट प्रोडक्टिविटी कितना आ रहा है हमारा, उसका एफिशिएंसी क्या है. तो मेरे पास नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी इतनी है, खाना इतना बना था इनटू 100. सिंपल बात, क्या बोला? 10 प्लेट खाना बनाया था मम्मी ने, मम्मी एक प्लेट खाना खाई, 10 आपके पास अभी भी 9 प्लेट बची हुई है, ठीक है? तो आपका परसेंटेज 90% तक आपके पास लगभग खाना अभी भी है, ठीक है? मम्मी ने खाना बनाया, मम्मी 6 प्लेट खाना खा गई, तो नेट प्रोडक्टिविटी एफिशिएंसी क्या हुआ? 40 ओनली. यू डोंट हैव मच, है ना? ये आपके पास बचा है कितना है? थोड़ा सा तो खाना बचा है. तो एनपीपी की वैल्यू गिर जाएगी, हैंस आपकी नेट प्रोडक्टिविटी कम हो जाएगी. अगर आपका प्रोड्यूसर ज़्यादा कंज्यूम कर जा रहा है, तो रेस्पिरेटरी लॉस अगर ज़्यादा हो जा रहा है जबकि नहीं होता है, आप बहुत अच्छी बात है ये. आप देख रहे हो कितना नेचर इंटरकनेक्टेड है. आपने रेस्पिरेशन चैप्टर में पढ़ा होगा दैट प्लांट्स डू नॉट रिस्पायर एज हाईली एज एनिमल्स. प्लांट्स का रेस्पिरेटरी रेट इतना हाई नहीं है, तो रेस्पिरेटरी लॉसेस भी कम है, इसलिए ज़्यादा बायोमास वो एक्यूमुलेट कर पाता है. आपने देखा पेड़ कैसे बढ़ता है, जब आप कोई सीड वगैरह लगाओ जूम 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 जूम, वाह बेटा वाह, जाते जा रहे जाते. तुम जब छोटे से थे तो तुम अभी उतने से ही हो हैं, और तुम्हारा पेड़ हो चुका है पता नहीं कितने मस्त घना. बायोमास एक्यूमुलेट ज़्यादा कर पा रहे, तुम बायोमास नहीं एक्यूमुलेट कर रहे, तुम अपने ऊपर ज़्यादा खर्चा कर रहे हो. नॉट जस्ट ये वाला खर्चा, ठीक है, ये वाला खर्चा, ऐसा वाला खर्चा नहीं, योर एनर्जी, यू आर ऑल्सो ईटिंग टू इन्वेस्ट मोर इन यू. क्यों? क्योंकि आपको अपना बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करना है, आपको दिमाग लगाना है. जो लोग नहीं ज़्यादा दिमाग लगाते वो थोड़ा वेट गेन कर लेते हैं. आप देखा होगा जो बड़े इंटेलिजेंट लोग होते हैं वो बड़े डंडी रहते हैं, पतले पतले, जब तक पढ़ाई चल रही है तो वही एकदम पतले. टॉपर कभी मैंने नहीं देखा ज़्यादा वेट गेन किया हुआ, एकदम बेचारा मरा ही रहा होता है जिंदगी, चश्मा चश्मा ऐसा लग रहा होता है चेहरे पे, चश्मा इतना मोटा भारी चश्मा है कि नहीं. सो समथिंग्स आर रिलेटेड टू दैट इज वेल. लिख लिया स्क्रीनशॉट, डन. चलूँ आगे, चल कोरबल और वो जीत बोरे, चलो कोरबल और अच्छा था यार ये गाना. अब आ जाते डिकम्पोजिशन ब्रेक डाउन, खलास खलास खच खच खचा रखें, ठीक है? वी आर गोइंग टू ब्रेक इट डाउन थिंग्स इनटू पार्ट्स. ओहो तुम मोटे, किसी को मोटा बोलते हैं, किसी को पतला बोलते हैं, ऐसे नहीं बोलते हैं किसी को कुछ भी. ये मोटा वो मोटा ऊट, कोई मोटा नहीं है. तो कम बैक एकदम मस्त, मोटा तू मोटा, जो बोलता वही होता है ऐसे वाला कॉन्सेप्ट. चलो ओके, डीकम्पोजिशन ब्रेकिंग डाउन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर. तो जो मर गया डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर, बेसिकली ऑर्गेनिक मैटर भी कौन सा? डेड एंड डिकेइंग. अब इसमें प्लांट भी हो सकते हैं बेटा, एनिमल्स भी हो सकते हैं. मेजरली योर डीकम्पोजिशन हैज दीज थ्री स्टेप्स. अब ये होते तीनों स्टेप एक के पीछे एक है, साइमल्टेनियसली होता है, ऐसे एक के पीछे एक नहीं, साथ में. डीकम्पोजिशन में फ्रैगमेंटेशन, लीचिंग, कैटाबॉलिज्म ऑलमोस्ट टेक्स प्लेस टुगेदर साइमल्टेनियसली. तो अगर आपको कोई अलाइन करने को बोले तो एग्जैक्टली आप नहीं इसको ऑर्डर में लगा सकते, बट फिर भी कोई बंदूक रख दे सिर पर बोले नहीं लगा इसको ऑर्डर में, तो फर्स्ट फ्रैगमेंटेशन, दूसरा कैटाबॉलिज्म और तीसरा लीचिंग. ठीक, फर्स्ट फ्रैगमेंटेशन. फ्रैगमेंटेशन में क्या होता है, आपके लार्ज
और कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स आर ब्रोकन डाउन इंटू स्मॉलर और सिंपलर कंपाउंड्स। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपके पास कोई बड़ा सा पत्ता गिरा था, इस पत्ते को आपने छोटे छोटे टुकड़ों में जो तोड़ा है, दैट इज फ्रैगमेंटेशन। फ्रैगमेंटेशन में ज्यादातर काम करते हैं आपके डेट्रीवोर्स। ठीक है, फ्रैगमेंटेशन पे कौन काम करता है? डेट्रीवोर्स, डन बाय डेट्रीवोर्स। एग्जाम्पल में आ जाएगा, जैसे कि टर्माइट्स एंड अर्थवर्म, अर्थवर्म या टर्माइट्स, ये बड़े बड़े पत्ते जैसी चीजों को छोटे छोटे पोर्शन में तोड़ देते हैं, या बड़ा सा लकड़ी का लॉग है उसको और छोटा तोड़ दिया, फ्रैगमेंटेशन इज टेकिंग प्लेस। डेट्रीवोर्स हैं तो किस पे एक्ट करेंगे? डेट्राइटिस पे। ठीक है, तो ये जो लार्ज कंपाउंड में बोल रही थी, लार्ज कॉम्प्लेक्स कंपाउंड जो मैं बोल रही थी, दिस इज नथिंग बट डेट्राइटिस। डेट्राइटिस का मतलब होता है रॉ मटीरियल फॉर डीकम्पोजिशन। अब आपने इसको छोटा छोटा तोड़ दिया एकदम, ठीक है, एकदम मस्त, एकदम खच 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 खच, हाँ। जब आपने इसको छोटा छोटा तोड़ा, उसके बाद आपके पास कुछ ऑर्गेनिक मैटर का बहुत स्मॉल पार्ट रह जाता है, देन इट एंटर्स इनटू कैटाबॉलिज्म। यू आर गोइंग टू टेक इट टू अनदर छोटा लेवल, एकदम बिल्कुल ही धज्जियाँ उड़ानी है उसकी। ठीक है, बहुत ज़्यादा छोटे पोर्शंस में उसको और फर्दर ब्रेक डाउन कर देना है। सो व्हेन योर ऑर्गेनिक मैटर इज फर्दर ब्रोकन डाउन इनटू इवन स्मॉलर पार्टिकल्स, तो यहाँ कैटाबॉलिज्म में आप एक तरीके से इसमें ना दो कैटेगरीज ला सकते हो बेटा। कैटाबॉलिज्म में यू गेट टू मेन पॉइंट्स, एंड द पॉइंट्स आर ह्यूमिफिकेशन एंड मिनरलाइजेशन। ह्यूमिफिकेशन एंड मिनरलाइजेशन। ह्यूमिफिकेशन क्या है? आपने ऑर्गेनिक मैटर को इतना बारीक तोड़ दिया, ठीक है, कि अब वो ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक के बीच में आके बैठ गया कहीं। ह्यूमस फॉर्मेशन, इफ यू रिमेंबर दिस, हमने ये सॉइल में भी किया था, ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन में, जहां पर ह्यूमस फॉर्म होता है, ह्यूमस फॉर्मेशन। और ह्यूमस फॉर्मेशन में व्हाट एग्जैक्टली इज अ ह्यूमस? डार्क एमोर्फस, ठीक है, कोलोइडल, डार्क एमोर्फस कोलोइडल, स्लाइटली एसिडिक, और रेजिस्टेंट टू माइक्रोब्स या माइक्रोबियल एक्टिविटी। तो इसका मतलब ये कुछ ऐसा कंपाउंड हो गया सॉइल में जो एक तो सॉइल को चिपकने नहीं दे रहा साथ में, ऑर्गेनिक मैटर है उसमें, ठीक है, और दूसरा ये क्या फायदा करता है कि ये ऐसे धीरे धीरे बैठा बैठा न्यूट्रिएंट्स रिलीज करता रहेगा, विद टाइम इट विल डिग्रेड एंड विल रिलीज मिनरल्स। ठीक है, तो ये बहुत अच्छा चीज़ है ऑर्गेनिक मैटर के पॉइंट में। ये डेट्राइटिस को तोड़ तोड़ के हमने इतना छोटा कर दिया कि अब उसमें से धीरे धीरे न्यूट्रिएंट्स रिलीज होंगे, ठीक है, और सॉइल में मिलते जाएंगे। सो ह्यूमस इज गुड, क्यों? क्योंकि ह्यूमस धीरे 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 विद टाइम डिग्रेड होता 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 आपको मिनरल्स प्रोवाइड करेगा। सो व्हेन ह्यूमस इज फर्दर ब्रोकन डाउन और तोड़ते जा रहे हो, तो आपके मिनरल अलग हो गए। You're getting oxygen, nitrogen के compounds, you're getting phosphorus in forms, you're getting magnesium, you're getting iron, इन सब का absorption शुरू होगा। Mineralization, इतना ज़्यादा breakdown कर दिया गया है कि अब बिल्कुल छोटा छोटा बचा और वो अब धीरे 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 nutrient release कर रहा है। तो यहाँ तक तो सब कुछ हमारे हिसाब से और हमारे benefit के हिसाब से हो रहा था, everything was going good, but अब मान लो कोई है नहीं,
ये मिनरल तो रिलीज कर रहा है बट इस मिनरल को एब्जॉर्ब करने वाला प्लांट भी तो होना चाहिए, कोई तो हो। ये पत्ता गिरा, अर्थवर्म है ही नहीं, तो धीरे धीरे विद टाइम डिग्रेड होगा, फिजिकल और केमिकल इरोजन होगा इसका, धीरे धीरे टूटेगा, ह्यूमस बनता है तो बनेगा, नहीं तो उसमें से न्यूट्रिएंट धीरे 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 सॉइल में जाएगा। और पानी अगर गिरता है तो विद परकोलेटिंग वाटर, विद वाटर मूविंग डाउन द स्ट्रेटा, जैसे जैसे वो नीचे जाएगा वो अपने साथ ये सारे मिनरल्स को नीचे लेता चला जाएगा इनटू इलुविएशन जोन, गया आपका न्यूट्रिएंट आउट ऑफ द इकोसिस्टम एंड दैट इज नोन एज लीचिंग। लीचिंग इज लॉस ऑफ न्यूट्रिएंट टू इलुविएशन जोन एंड कंप्लीटली लूजिंग इट, ठीक है। ठीक है बच्चा, ठीक। हाँ इसमें रिजर्वॉयर ऑफ न्यूट्रिएंट्स में लिख सकते हो ह्यूमस के अंदर, हाँ बिल्कुल बेटा यू कैन राइट इट रिजर्वॉयर ऑफ न्यूट्रिएंट्स, तभी तो धीरे धीरे न्यूट्रिएंट्स दे रहा है, रिजर्वॉयर ऑफ न्यूट्रिएंट्स, यस यू कैन राइट दैट। डीकम्पोजिशन समझ में आया? अच्छा अब क्या फायदा ज्यादा स्पीशीज होने का, ज्यादा डाइवर्सिटी होने का, इंसेक्ट्स भी हैं, प्लांट्स भी हैं, एनिमल्स भी हैं, तो क्या होगा ना जैसे ही डीकम्पोजिशन होगी मिनरल के फॉर्म में आएगा, प्लांट वापस एब्जॉर्ब करेगा, या फिर कोई ये अर्थवर्म ने थोड़ा सा खा लिया तो इसमें रह गए कुछ न्यूट्रिएंट्स, किसी ने अर्थवर्म को खा लिया तो उसमें रह गए न्यूट्रिएंट्स, तो मेरे पास जो भी न्यूट्रिएंट है ना वो ऊपर वाले लेयर में ही गोल गोल घूम रहे। क्या हुआ है कि कोई किसी को खा जाए बेटर है, ठीक, अर्थवर्म को कोई खा जाए वहीं के वहीं, ऐसा ना हो कि अर्थवर्म मरे फिर उसके अंदर से थोड़ा थोड़ा डीकम्पोजिशन, कोई ना कोई किसी ना किसी को खाता रहे, ये साइकिल ऊपर ही ऊपर चलती रहे, लीचिंग तक ना पहुंचे बात। आई वॉन्ट माई न्यूट्रिएंट्स टू स्टॉप मूविंग इन द सॉइल और स्पेशली नीचे, ठीक है, ये अंदर ही अंदर साइकिल में घूमे, प्लांट से एनिमल में, एनिमल से सॉइल में, वापस से प्लांट में, प्लांट से एनिमल, ये साइकिलिंग चले, ये तो चलनी ही है वरना रुक जाएगी बात। तो सॉइल में जब जा रहा है तो नीचे की तरफ ना निकल जाए, नीचे स्ट्रेटा में ना चला जाए और लीचिंग ना हो जाए। आई डोंट वॉन्ट टू लूज द न्यूट्रिएंट फ्रॉम द इकोसिस्टम, ठीक, इसे हम कहते हैं न्यूट्रिएंट इमोबिलाइजेशन। क्या बोलते हैं हम इसको? न्यूट्रिएंट इमोबिलाइजेशन। इमोबिलाइजेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स मतलब अब आपका न्यूट्रिएंट मूव नहीं कर रहा बिकॉज इट इज इन एन ऑर्गेनिज्म, तो उसकी वजह से चांसेस ऑफ लूजिंग द न्यूट्रिएंट आर आल्सो वेरी वेरी लेस एंड दैट्स अ गुड थिंग, ये बहुत अच्छी बात है, ठीक है। हाँ परफेक्ट करेक्ट, जय जिंद जय जवान, ठीक है। सो इन एन ऑर्गेनिज्म और ज्यादातर अगर बहुत अच्छी बात है अगर नीचे आपका माइक्रोबियल सिस्टम बहुत स्ट्रांग है, यू हैव अ गुड माइक्रोबियल सिस्टम, तो दैट विल आल्सो वर्क। सो न्यूट्रिएंट्स आर एब्जॉर्ब बाय सम बायोमास और सम माइक्रोब्स एंड दैट विल बी परफेक्टली फाइन। कूल योर्स। नाउ क्या चाहिए डीकम्पोजिशन के लिए? व्हाट इज द अप्रोप्रिएट ऑसम कंडीशंस फॉर डीकम्पोजिशन? जैसे प्रोडक्टिविटी पे भी एक्सटर्नल फैक्टर्स का इफेक्ट था, ऐसे डीकम्पोजिशन तो बिल्कुल एक्सटर्नल होगा क्योंकि हो ही बाहर रहा है, ठीक है, चाहे उसको करा लिविंग ऑर्गेनिजम्स रहे बट इट इज डिपेंडेंट ऑन द एनवायरमेंटल कंडीशन ऑल्सो। सो पॉइंट नंबर वन, एरिएशन, हमें थोड़ा ऑक्सीजन दे दो भाई, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इज फेवर्ड, दिस इज गुड। ऑक्सीजन नहीं होगा
तो आपके पास फर्मेंटेशन होने लगेगा, ऑर्गेनिक एसिड्स वगैरह बनने लगे. वी डोंट वांट दैट. वी वांट प्रॉपर एरिएशन. और अच्छे एरिएशन की वजह से सॉइल वॉइल में जब अच्छे से एरिएशन रहता है तो अच्छे माइक्रोब्स ग्रो होते हैं, गुड माइक्रोब्स, बेनिफिशियल माइक्रोब्स. एनारोबिक कंडीशन में आपके पास फिर वो बायोगैस प्रोडक्शन होने लगेगा, और बाय चांस मिथेनोजेंस अगर वहाँ प्रेजेंट है तो, या कुछ ना कुछ ऐसा अजीब स्मेल आने लगेगा, सम डिफरेंट. सो इट इज़ नॉट प्रॉपर डिकम्पोजिशन. वो चीज़ सड़ रही है, रॉट हो रही है, ठीक है. यू डोंट हैव, या पड़ी हुई है, रेस्पिरेशन ही ढंग से नहीं कर पा रहे आपके आधे माइक्रोब्स. सो बेटर वी हैव सम एरिएशन. अगला, केमिकल नेचर ऑफ डेट्राइटिस. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. प्रोटीन जिसमें नाइट्रोजन कंटेंट है, डीएनए जेनेटिक मटेरियल जिसमें नाइट्रोजन कंटेंट है, तो नाइट्रोजन कंटेंट वाले डिग्रेड्स फास्टर. Degrades faster, such as protein, nucleic acids, sugar का भी breakdown fast है. Simple sugar, carbohydrates वगैरह जो है आपके पास, जैसे fruit. अब आपका अगर कोई fruit गिरता है नीचे, कितनी जल्दी decompose हो जाता है ना. वही लकड़ी का टुकड़ा गिरता है अगर नीचे, तो कितना time लगता है उसको decompose होने में. तो यहाँ पे decomposition का rate high, rate low कब होगा? Rate of decomposition will be low in compounds that have cellulose. तो आपका तो पूरा लकड़ी का जो टुकड़ा है वो बना ही cellulose और lignin का हुआ है. Xylem है पूरा. Wood is nothing but xylem. Xylem में cell wall बच जाती है और उस पर deposition हो जाता है lignin का. Lignin बचा होता है. तो lignin और cellulose are very 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 difficult to decompose. इसका थोड़ा सा relation पानी के absorption के साथ भी है. Lignin और सेल्यूलोज एंड सुबरिन और क्यूटिकल, ये क्यूटिन, ये सारी चीज़ें जो हैं ये इतनी जल्दी से एब्जॉर्ब नहीं करती पानी. इम्बिबिशन प्रॉपर्टी बहुत कम है. वहीं पे स्टार्च, प्रोटीन है ना, हाइड्रोकोलॉइड्स, इनकी इम्बिबिशन प्रॉपर्टी भी ज़्यादा है तो पानी एब्जॉर्ब करते हैं. दे आर एबल टू डिग्रेड फास्टर. बट दीज टू, और सुबरिन भी लगा लो, सुबरिन जैसे कि आपका कॉर्क बड़े टाइम बाद डिकम्पोज होगा, बहुत धीरे, बहुत स्लो. So that depends on the chemical nature of the detritus also, raw material. फिर आता है temperature. Optimum temperature अपना बेटा room temperature है भाई. Room temperature के आसपास रहेगी बात, 25-30 degree Celsius optimum. ठीक है, इतना हमारे पास बराबर रहता है. बहुत ज़्यादा low temperature हो जाएगा, if there is very very low temperature, there is low decomposition. क्यों ऐसा? आपने फ्रिज में देखा, माइक्रोबियल ग्रोथ रिड्यूस हो जाता है. माइक्रोबियल ग्रोथ रिड्यूस होगा तो डिकम्पोजिशन भी रिड्यूस हो जाएगा. ठीक है, हाँ ठीक है, हाँ जी, क्लियर, कूल. मॉइस्चर. अब देखो, अगर उस सॉइल में या हवा में थोड़ी ह्यूमिडिटी है तो हाई मॉइस्चर विल इंक्रीज डीकम्पोजिशन. ठीक है, इसमें कोई दो राय नहीं है, ये होगा. लेकिन अगर बहुत ज्यादा मॉइस्चर कंटेंट बढ़ा दिया जाए, एयर इज सैचुरेटेड विद वाटर वेपर्स, तो उधर आपका डीकम्पोजिशन रिड्यूस हो जाता है. वहां चीजें फिर इतना जल्दी डीकम्पोज नहीं करेंगी. ठीक है, सो मेन दो इंपॉर्टेंट फैक्टर्स जो हमारे पास हो जाते हैं, दैट इज टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी मॉइस्चर. ठीक है, यस, हाई विल इंक्रीज, बट वेरी हाई सैचुरेटेड ऑलमोस्ट, आपको बहुत खतरनाक ह्यूमिडिटी है तो उसमें आपका डिकम्पोजिशन रेट कम हो जाएगा. और एरिएशन तो वैसे भी मैंने आपको बताया ही था, रिक्वायर्ड फॉर एरोबिक माइक्रोब्स. तो जो डीकम्पोज करने वाले हैं, अब जैसे अर्थवर्म वगैरह हैं, अर्थवर्म इज एन एनिमल, डेट्राइटस को पहली बार कौन तोड़ेगा? वही तोड़ेगा, तो उसको तो चाहिए ऑक्सीजन. ठीक है बेटा, चलो, यहाँ तक समझ में आया? क्लियर,
बढ़िया, शाबाश है। फिर इसमें क्या रह गया? कुछ भी नहीं, कुछ बचा क्या? बस ठीक है, कंटिन्यूइंग टुमारो, एनर्जी फ्लो। यार कल कराती हो? अरे बहुत टाइम है अपने पास, कल करेंगे। ठीक है चलो फटाफट से बम्पर ऑफर, जंबो ऑफर लगाओ, तुम लोग भी पूरा दिन थक जाते हो, इतना सारा डेटा डेटा पता नहीं क्या क्या हो जाता है। तो इकोलॉजी थोड़ा स्लो चल रहे हैं, हाँ एक तो टाइम है, ज़्यादा नहीं पढ़ा रही हूँ तो रिवाइज कर सकते हो आराम से। और फिर दूसरी चीज़, अपना धीरे धीरे काम करते चलो, साथ के साथ नोट्स बनाते चलो। वी आर गोइंग टू फिनिश इट इन जुलाई, सुकून जिंदगी। ठीक है, आराम आराम से जाएंगे, कहीं नहीं जा रहे। प्रोडिजी 14-15 अगस्त को शिफ्ट हो गया बेटा, ठीक है, बी अवेयर ऑफ इट। नई डेट्स हैं ये, इसका स्क्रीनशॉट ले लो चाहे तो, नीट और जेई के टॉपर्स यू कैन गो अहेड फॉर दिस। न्यू डेट्स आर 14th and 15th August, क्योंकि पिछले वाले डेट्स जेई के साथ वो कर गए, थोड़ा क्लैश कर गए। टॉप टू जो भी होंगे प्रोडिजी के विनर्स, उनका फर्स्ट ईयर ऑफ कॉलेज भी अन अकेडमी स्पॉन्सर करेगा। ठीक है, सो मेक श्योर दैट यू गो फॉर इट। और बहुत सारे और भी रैंक वाइज आपको प्राइजेस मिल सकते हैं, एंड यू ऑल्सो गो फॉर 12 जुलाई से प्रैक्टिस। तो जस्ट जो 2021 वाले हैं, गो अहेड फॉर प्रैक्टिस। प्रैक्टिस करने में क्या जा रहा है यार, लग गई लॉटरी तो लग गई, लग गई लॉटरी। कोमल लाइव इज योर कोड, KOMAL LIV, कोमल लाइव। ठीक है, और प्लस एज वेल एज आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन। आइकॉनिक में आपको पर्सनल गाइडेंस, स्टडी प्लानर, स्टडी मटेरियल मिलता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्सपर्ट गाइडलाइंस मिलती हैं, टेस्ट सीरीज मिलती है। ठीक है, सब कुछ मिल गया है बेसिकली, जो आप लोग एक ऑफलाइन इंस्टीट्यूट में ढूंढते फिरते हो वो ऑनलाइन। लेकिन यहाँ कोई आपके चार टीचर नहीं, स्टडी फ्रॉम एनी बडी यू वॉन्ट। और बहुत सारे ऐसे टीचर्स हैं जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूट से ही हैं, जहाँ आप जाना चाहते हो और डबल ट्रिपल पैसा देना चाहते हो, उससे तो कमी है। दूसरा, आपके पास बहुत सारे टीचर्स का ऑप्शन है, यू डोंट हैव टू सिट अकॉर्डिंग टू कि ये नहीं समझ में आ रहा तो केमिस्ट्री नहीं आ रहा या बॉटनी नहीं आ रहा या फिजिक्स नहीं आ रहा या जूलॉजी नहीं आ रहा समझ, तो यू आर वेटिंग अराउंड कि हाँ चलो अब इधर बोलेंगे तो चेंज होगा कोई टीचर। अपने हिसाब से देखो, जिससे आपका ट्यूनिंग मैच करती है उससे पढ़ो, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई ज़बरदस्ती नहीं, कहीं कोई नहीं, हर स्टूडेंट के लिए एक टीचर बना है। ठीक है, हर स्टूडेंट के लिए बहुत सारे टीचर्स बने हैं, तो डोंट वरी अबाउट इट। लेकिन जिससे आपको लगता है कि दिस आई सिंक विद दिस पर्टिकुलर टीचर, इनका पढ़ाया हुआ समझ में आता है, उनसे आप पढ़ सकते हो, तो यू चूज योर टीचर्स। ठीक है, एंड फॉलो दोज टीचर्स, सारे टीचर अच्छे हैं, कोई खराब नहीं है, बस वही है कि आप किसके साथ मैच कर जाते हो। ठीक है, ओके, प्लस पे 5 बजे क्लास होती है, कल स्पेशल पे 2 बजे क्लास होगी, 2 PM। ठीक, अब स्पेशल क्लासेस मैंने फिक्स कर दी है, मंडे, वेंसडे, फ्राइडे 2 बजे। कब कब होगी स्पेशल क्लास? ये फ्री क्लास होती है बेटा, फ्री क्लास कब कब होगी? 2 बजे, मंडे, वेंसडे, फ्राइडे, 2 PM। ठीक, ये पैरेलल चलेगा ऑलमोस्ट विद योर न्यू क्रैश कोर्स जो हम कल से स्टार्ट कर रहे हैं, फास्ट ट्रैक रिविजन वाला, सितंबर 12 तक। ठीक है, हम ऐसे ही चलेंगे कि हमारे पास सुबह हम पढ़ रहे हैं, 2 दिन में एक बार ही मैं टेस्ट कराऊंगी, तो 2 चैप्टर जो कंप्लीट हो गए होंगे उनके हम क्वेश्चंस कर लेंगे, 1 घंटे की स्पेशल क्लास, ऑल्टरनेट डे जाएंगे, खत्म कहानी। कूल, इतना करना है बस आपको मेरे साथ साथ, तो इसलिए थोड़ा बस एक टीचर के साथ रुकना सीखो, और पढ़ने आयो ये मत भूला करो। ठीक है, ओके, सो दिस इज फ्री, एब्सोल्युटली फ्री। तो फास्ट ट्रैक वाला जो रिविजन आपका शुरू हो रहा है वो हम शुरू कर देंगे, प्लस का सब्सक्रिप्शन भी आप ले सकते हो, इस पे और इस पे ऑफर है, तो कोमल लाइव कोड लगाओ, गो अहेड फॉर प्लस सब्सक्रिप्शंस। आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन के लिए भी आप जा सकते हो, इन तीनों पे ऑफर चल रहा है। कॉम्बैट भी होता रहेगा, कॉम्बैट इज ए स्कॉलरशिप एग्जाम, आई होप कुछ बच्चों को स्कॉलरशिप जरूर मिला होगा। कोमल लाइव कोड लगा लेना, इसके लिए एनरोलमेंट भी आप कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा। एंड थैंक यू सो मच, टुमारो वी आर स्टार्टिंग विद समथिंग एब्सोल्युटली न्यू, 9:30 AM ठीक है, सुबह 9:30 क्यों बोल रही हूँ मैं, 9 AM भाई, सुबह 9 बजे, लिविंग वर्ल्ड। हो मुझे ही अभी लिविंग वर्ल्ड वन शॉट NCERT लेवल जो जो चाहिए नीट एग्जामिनेशन के लिए, एवरी पॉइंट। ठीक है, चलिए ये कल सुबह से शुरू होगा, अभी
अभी जस्ट 10 बजे हम लोग एक बारी और मिल रहे हैं. थोड़े कुछ अपडेट्स आए हैं नीट के. आई वॉन्ट टू डिस्कस दैट. नीट एग्जाम का पेपर का पैटर्न आ गया है प्रॉपर, तो वो हम एक बारी डिस्कस कर लेंगे 10 बजे अभी. ठीक, तो अगर जानना चाहते हो क्या क्या हो रहा है इस बार, तो 2021 वाले तो आ ही जाना, 22 वाले भी आ जाना. अगले साल के लिए शायद थोड़ा हिंट मिल जाए कि व्हाट इज गोइंग टू हैपन एंड हाउ, सो यू विल गेट टू नो. ठीक है, चलिए बेटा, थैंक यू सो मच. स्टे हैप्पी, स्टे हाइड्रेटेड, स्टे सेफ, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड योर फैमिलीज. बाय बाय, गुड नाइट.